में शायद उभरी हुई या दबी हुई एक ऐसी इच्छा जरूर, एक ऐसी इमेजिनेशन है ना, तो मेरे को थोड़ा यहाँ से ऐसा होना चाहिए, यहाँ से ऐसा होना चाहिए, एक चेहरे की इमेजिनेशन है कि नहीं है, बोलो। इसलिए पहला भाव जो आपके मन में आता है शिक्षा लेके, वो आता है अस्वीकार का, कि किस बकवास आदमी को देख लिया शुरू करना है, ऐसा भाव सबसे पहला आया था। आप अगर अपने मन के भीतर जाओ, हाथ बंद करके, तो इस बात की गहराई को महसूस कर पाओ कि मेरी बात बिल्कुल सच है। आप अगर शीशा नहीं देखते, अगर अपना हाथ भी देखते हो, कपड़ा भी पहनते हो, चलते भी हो, तब भी आपके मन में विचार आते हैं कि थोड़ा मेरे को ऐसे होना चाहिए था, आता नहीं आता, मेरे बाल थोड़े ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे भाव आता कि नहीं आता, बोलो। हाँ, तो पहले सबसे बड़ी हमारी जो तीसरी यात्रा जो है, पहली पहले अपने दर्शन से ही शुरू हो गई होगी ना। अब से दिन में कितनी भी कस्में खा लो, सबका अच्छा करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब फिर आप कहते हो, ऐसी शिकायत करते हो ना कि मेरे को कोई बात नहीं बिठाता, मेरे से बात नहीं करता, मेरे को कोई इग्नोर करता है, मैं वहां जाती हूँ तो मेरे को वहां जाता हूँ तो मेरे लोग दूर चले जाते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता मेरे को। आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया क्या? किया नहीं किया? आप तो दूर भागते हो अपने आप को देख के, आप कह रहे हो अभी तक योग कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, हो जाता जाते थे जैसा हम बनना चाहते थे, वैसे तो अभी तक बन नहीं पाए, किस कारण से नहीं बन पाए, क्या कमियां रह गई होंगी, वो एक बहुत दूसरी बात है। लेकिन आपने सबसे पहले अपने आप को अस्वीकार कर दिया ना, चेक कर दिया, कोई जैसे आपके पास आया हो इंटरव्यू देने के लिए, आपने कुछ पूछा ही नहीं, सवाल जवाब तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ शक्ल देखी, आपने बता दी बात जाओ, ऐसी हालत होती ही नहीं होती, बोलो। चाहे आप अपने बालों पर फोकस करो, या चेहरे की मोटाई पतलाई को देखो, या चेहरे की सुंदरता को देखो, फेस को देखो, ग्लो को देखो, लेकिन ये भाव आता है ना, नहीं ये तो वो नहीं है जिसको मैं चाहता था, ठीक नहीं होंगे, मेहनत करते रात को मैंने खाना भी नहीं खाया, अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी दिख नहीं जाती है, कि नहीं ऐसा है सुधार का भाव। तो आज से 15 जून 2019 से हम इस काम पे, इस पॉइंट पे काम करना शुरू करते हैं, इसमें स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, ठीक है, करोगे स्वीकार अपने आप को, कैसे हो पहले आप अपने आप को तो करो, बाद में शिकायत किसी दूसरे से बाद में करेंगे कि मैंने आज सफेद कपड़ा पहना, मैंने आज लाल कपड़ा पहना, वो मेरे को कहते कैसे नहीं लगा, आपने तो उसको ये नहीं स्वीकार करे तो कैसे कोई करेगा दूसरा उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा ना। तो जी पहली सीढ़ी आपने तोड़ दी, तो दूसरी सीढ़ी तक जाने का तो रास्ता ही खत्म हो गया, बंद हो गया बिल्कुल। आज के चार मंत्र हैं, बोलो आई एम सॉरी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे?
नहीं जा पाएंगे जहां तक हम जाना चाहते हैं, ठीक है। और बस आंख बंद करके आपका मन करे तो आवाज निकाल के बोलो इसको, आपका मन करे तो मौन रह के मन के अंदर इसका जाप करो, ठीक है। आसान है ना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक। चाहे आप किसी की भी प्रतिमा अपने सामने रखना चाहते हो इन चार मंत्रों का जाप करते हुए आप वो रख सकते हो, वो आपकी चिंता है। आप किसी भी इष्ट देवता में अपने गुरु में विश्वास रखते हो तो भी आप उनकी इमेज मन में लाके ऐसा भाव बना के, पूरा समर्पण का भाव बना के इन चार मंत्रों को दोहरा सकते हो। ऐसा हम 20 मिनट के लिए करेंगे, 5-5 मिनट के लिए एक मंत्र का उच्चारण, एक मंत्र का जाप, समझे। लेकिन ये क्रिया शुरू करने से पहले हमें लगभग 5-6 मिनट थोड़ा और काम करना पड़ेगा ताकि आप तैयार हो जाए। पहले बर्तन साफ होगा तभी तो दूध डालोगे ना उसमें, बर्तन ही गंदा होगा तो उसमें हजार बार दूध डालो, हजार बार दूध खराब हो जाएगा। पहले बर्तन को साफ करना पड़ेगा। अभी तो आप आए हो, अभी तो सोच रहे हो कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है, कभी ऐसा नहीं है, कौन किसी का आया नहीं आया, तो गलत बातें कर रही है ना, उसको पहले हमें एक दिमाग बना के ब्लॉक करना पड़ेगा। जब वहाँ सफाई हो जाएगी तब हम इस क्रिया को शुरू करेंगे, ठीक। अब आपका जहाँ मन करता है वहाँ घूमने जाके बैठना, ठीक। और ऐसे बैठना कि आप जब लेट हो, जब आपको लेट जाने के लिए कहूँ तो आपको हाथ ना धोने पड़े, किसी भी आपका हाथ लगे, किसी पैर लगे तो कोई परेशानी नहीं, कोई बुरा मत मानना, कोई ऐतराज मत करना किसी की बात का, ठीक। चलो अंदर हो गए, कोई कमरे के अंदर आएगा, कोई बाहर जाएगा, कोई आवाज करेगा, कोई बात करेगा, किसी का मौन भी हो सकता है आवाज करे, लेकिन ऐसा दृढ़ संकल्प मन में रहे मेरी आंखें बंद ही रहेगी, चाहे धरती ऊपर और आकाश नीचे आ जाए मेरी आंखें बंद रहेंगी। ऐसा एक छोटा सा संकल्प आप बीच बना के रखो 20 मिनट के लिए, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखना चलिए आंखें बंद कर लीजिए सभी, कमर सीधी करके बैठने का प्रयास करें। कौन बात कर रहे हैं पीछे, सारे बच्चे इधर आ जाओ मेरे पास, मैं कहानी सुनाऊंगा, इधर आ जाओ सारे बच्चे, सारे बच्चे इधर आ जाओ, छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे भी इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हाँ। पहला मंत्र है आई एम सॉरी, इस मंत्र का आप जाप शुरू करें 5 मिनट के लिए। जब आपके 5 मिनट हो जाएंगे मैं आपको बताऊंगा और आप दूसरे मंत्र में प्रवेश करेंगे। पूरा भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पण का भाव बना के इस मंत्र का जाप करने का प्रयास करें। दोनों हाथों को बंद रखें, शरीर को स्थिर रखें, हिलना डुलना बंद हो जाए शरीर का, ऐसा प्रयास करें। बैठे चेहरे पर किसी प्रकार का भाव ना आए ऐसा प्रयास करें। दोनों हाथों पैरों को ढीला छोड़ दें,
प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करें। ऐसा माफी मांगने का भाव बन के रखें, फॉरगिवनेस को आप अपने भीतर लेकर आए, आप इसकी उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद का भाव मन में लेकर आए, थैंक्स का भाव मन में लेकर आए, ग्रेटिट्यूड का भाव मन में लेकर आए, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। एक और दिल मिला जीने के लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं आज का सूर्यास्त को नहीं देख पाए, लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य एक और दिन हमें मिला जीने के लिए, एक और रात्रि मिली हमें सोने के लिए। इन सब बातों के प्रति थैंकफुलनेस दिखाएं, धन्यवाद का भाव उन सब लोगों के प्रति जो आपके आसपास है, उस प्रकृति के प्रति जिसमें आप जीवन जी रहे हैं, आपका पूरा मन धन्यवाद के भाव से भर जाए। जो आपको मिला उसके लिए भी धन्यवाद, और जो नहीं मिल पाया वो भी तो आपको मिला ही ना, आपके मन में तो उसका वास आई ना, उसके लिए भी धन्यवाद। जो काम आपने किया उसके लिए धन्यवाद, जो काम नहीं कर पाए उसके लिए भी धन्यवाद। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था
जो आपको मिल पाया वो भी आपके कल्याण के लिए, जो आपको नहीं मिल पाया उसमें भी आपका कल्याण छुपा है, ऐसा भाव बनाते हुए मन को धन्यवाद से भर दें। नहीं कर पाए, आज मैंने ये आपको मौका दिया है, वो सारे अपने इमोशंस बाहर निकल जाने दो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बाहर आएंगे। कोई आपके मन में ऐसा भाव ना रहे कि ये काम हो नहीं पाया, इसको करना था ये नहीं हो पाया, आपका मन पूर्णतः प्रेम से भर जाए, ऐसा प्रयास करें। बहुत आपने भूमिका बना दी प्रेम को अंदर अपने मन के अंदर लाने की, उसको गहरे से भीतर जाने दें। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें, दोनों हाथों पैरों को ढीला कर दें, कमर को ढीला छोड़ दें। अगर आपका शरीर भूमि पर लेट जाना चाहे तो आप बाधा ना बने, अवस्था में आ जाए, दोनों आंखों को बंद ही रखें, ऐसा प्रयास करें दोनों आंखें ना खुलें और आप आराम से लेट जाएं। गर्मी और सर्दी का भाव भी मन में आएगा नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, बिल्कुल शांत हो जाएं। हाथ पैर आपका छू जाए तो परवाह ना करना, जैसे हो वहीं रहो, उसी भाव दशा में रहे। हमने अभी मन की शुद्धि का प्रयास किया, उस मन की शुद्धि को मन के गहरे भीतर में जाने दें।
आपकी उंगलियों को ढीला करते हैं। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, पैर के अंगूठों को ढीला कर दें। मेरे शब्दों को इस तरह से सुने जैसे आप कोई सपना देखते हो। जैसे इस सपने में आप कुछ सुनते तो हैं, लेकिन आपका विचार प्रकट होने होता नहीं, आपकी चलती नहीं ना, आप नहीं जान, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका सपना आज कैसा होना चाहिए। आप नहीं डिसाइड कर सकते, जब सपना आप देख रहे हो तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही मेरे शब्दों को इस भाव से सुने जैसे आपके कानों में शब्द सपने में पड़ रहे हो। सभी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। कोई भी शरीर का हिस्सा खिंचाव महसूस ना करे, ऐसा प्रयास करें। जैसे जैसे शरीर विश्राम को प्राप्त करेगा, आप शरीर में हल्कापन महसूस करने लगेंगे। यह हल्कापन शरीर से होते हुए मन तक की यात्रा को करेगा। ऐसा प्रयास करें मन की गहराई में इस विश्राम की अवस्था को लेकर जाएं। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, किसी प्रकार का भाव आपके चेहरे पर ना हो, ऐसा प्रयास करें। ना खुशी ना दुख, कोई भाव चेहरे पर आ ना पाए। माथे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, दोनों आंखों को ढीला छोड़ दें। दोनों होठों को ढीला कर दें। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। तीन बार लंबी गहरी श्वास भीतर लें और बाहर छोड़ें, इतनी धीमी गति से कि श्वास की आवाज आपको भी सुनाई ना दे। तीन बार गहराई से श्वास को भीतर जाने दें, तीन बार गहराई से श्वास को बाहर जाने दें। बंद रहें, धीरे धीरे पैर के अंगूठों को ऊपर नीचे करें, पैर के अंगूठों को ऊपर नीचे चलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे मुट्ठी बंद करें, खोल दें, हाथों को बंद करें, खोल दें, दोनों आंखें बंद रहें, बाईं करवट लें और उस पर बैठ जाएं। को ढक लें, दोनों हाथों से आंखों को ढक लें, हाथों को आंखों पर रहने दें, धीरे धीरे दोनों आंखें खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें, दोनों आंखें बंद रहें और धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। धीरे धीरे दोनों आंखें खोल दीजिए।
जी का जो